वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं रोहिणी वंस अगेन आज आपके लिए अगेन एक बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बहुत अमेजिंग ज्वेलरीज, बहुत सारी अमेजिंग ज्वेलरीज मैंने मंगाई हैं, कुछ टेम्पल है। तो बेसिकली अभी चल रहा है फेस्टिव सीजन, जस्ट कल गौरी विसर्जन हुआ है एंड इस हिसाब से गौरी एंड गणपति के आगमन की वजह से मैं फिलहाल वीडियोज नहीं बना पाई। तो दैट्स वॉट द थिंग वॉज कि मुझे वो टाइम नहीं मिला एंड थोड़ा डिले हो गया, बट नो वरीज, आज मैं बहुत अच्छा कलेक्शन आपके लिए लेके आई हूँ। थोड़ी टेम्पल ज्वेलरी, साउथ इंडियन ज्वेलरी, थोड़ी बहुत अच्छी वाली ज्वेलरीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो कुछ अच्छे अच्छे नेक पीसेज हैं, कुछ बैंगल्स हैं, तो अमेजिंग मजा आने वाला है। उसकी इयररिंग्स हैं, तो बहुत सुंदर शॉर्ट वीडियो होगा बट अच्छा वीडियो होने वाला है, बिल्कुल मिस मत करना। अफोर्डेबल है, ऑल ज्वेलरी आपको अंडर रुपीज 300 है, कुछ 300-350 के अंदर ही है सारी। तो मैं आपको रेट से बताती रहूंगी। तो चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल नेक पीस दिखाना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नेक पीस, जो है शाइनिंग दीवा से। शाइनिंग दीवा का नेक पीस मैंने मंगाया है, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेक पीस, आप देख सकते हैं, साउथ इंडियन ज्वेलरी है। तो ये जो ज्वेलरी है इसमें ना लक्ष्मी माता बनी हुई है, लक्ष्मी माता के लेकिन ना आसन पे, कमल आसन पे बैठी हुई लक्ष्मी माता बनी हुई है। ऐसे बोला जाता है कि ये जो लक्ष्मी माता के जो नेक पीसेस होते हैं ये बेसिकली साउथ इंडिया में इस तरीके के नेक पीसेस बहुत पहने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो डिटेलिंग है बहुत सुंदर है, रेड एंड ग्रीन कलर के इसमें स्टोन्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल भी आपको ऐसा लो क्वालिटी बिल्कुल नहीं लगेगा। दिस इज ओनली फॉर जस्ट रुपीज 300 अराउंड ही है ये, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ये आधा आधा है ना, तो ये बहुत अच्छा, बेसिकली मुझे उस हिसाब से ही अच्छा लगा क्योंकि इसका शेप थोड़ा डिफरेंट है, लाइक यू नो हाफ सर्कल के टाइप का शेप है। इसके इयररिंग्स जो है वो भी आपको इस लक्ष्मी माता बैठी हुई है देखो उस हिसाब से, एंड देन नीचे झुमका विथ पर्ल है, तो बहुत सुंदर पीस है ये। साड़ी के साथ आप इसको पहन सकते हो, अच्छी एक ट्रेडिशनल कुर्ता सेट हो आपके पास, ओवर विद दुपट्टा, बेसिकली साड़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। बनारसी साड़ी हो, साउथ इंडियन कांजीवरम साड़ी हो, मराठी जो पैठनी साड़ी होती है, काठ पदर साड़ी होती है, बनारसी साड़ी, वैसी साड़ियों के साथ ये बहुत सुंदर पीस लगेगा। तो ट्रेडिशनल वेयरिंग, जैसे अभी गणपति चल रहे हैं, नवरात्र आने वाला है, तो सिंपल बट यू नो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ मैं आपको दिखाती हूँ पहन के। सो बेसिकली मुझे ये पीस बहुत अच्छा लगा, मैं ये गणेश विसर्जन के दिन पहनने वाली हूँ। देखिए अमेजिंग पीस है, बहुत सुंदर लग रहा है विद, अगर आप इसको मंगलसूत्र एंड ऑल पहनोगे ना, बहुत सुंदर लगेगा विद मंगलसूत्र एंड ऑल पहनोगे। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। सो ये विद झुमका है ना, अभी जैसे ब्लाउज का गला थोड़ा सा यू नो बड़ा वगैरह होता है, तो उस हिसाब से नेक पे बहुत अच्छा लगने वाला है। तो या ये था, मैं भी रहने देती हूँ पहने हुए, फिर बाद में आपको बाकी ये दिखाती हूँ पीसेस। बैंगल सेट मैंने खरीदा हुआ है। बैंगल सेट में ये जो बैंगल पीसेस हैं, ये बैंगल पीसेस अगर इसी के साथ मैच हो जाएंगे, तो पर्ल है, रेड ग्रीन बीड्स हैं इसमें, एंड बहुत सुंदर इसका जो वर्क है ना वो बहुत सुंदर के, ये आई थिंक कुछ 290-280 के अराउंड ही मुझे पड़े हैं। कड़ा टाइप है, सिंपल है एंड अमेजिंग है। तो कड़ा स्टाइल है, बहुत सुंदर लगेगा, आप एक भी पहन सकते हो या फिर आप बीच में कुछ चूड़ियाँ डाल के दो भी पहन सकते हो। ये है ब्रांड यू बेला ब्रांड से है। सेम इसी में सिंगल कलर में मैंने एक और जो है कंगन वो मंगाया है। दिस इज काइंड ऑफ अ कड़ा और कंगन, मेरे हाथ में इतने कड़क है जल्दी से कोई भी बैंगल निकलता नहीं है। ओके, यू बेला ब्रांड से ही मैंने एक और मंगाया है। दिस इज इन वाइट पर्ल्स, ओनली वाइट पर्ल्स में। आई थिंक ये मैंने 2.8 साइज में ना मंगाया था, बट ये 2.6 आया है, बिकॉज ये देखिए इसका साइज देखिए एंड इसका साइज देखिए, मेरा साइज है 2.8 और ये साइज ना छोटा आ गया आई थिंक सो मुझे, बट पता नहीं अभी ये थोड़ा सा नहीं सेम ही लग रहा है, सो ये इसकी वजह से थोड़ा बड़ा लग रहा है। बट ये सिंगल कलर मैंने मंगाया, सिंगल आप कोई भी कलर के साथ मैच करके इसको पहन सकते हो। सो बेसिकली अब टाइम में इजी लगता है मुझे पहनना, तो इस तरीके से आप इसको पहन सकते हो एंड अच्छा है, कोई भी कलर्स मैच हो जाएंगे, वाइट पर्ल्स होता है तो कोई भी कलर मैच हो जाते हैं। तो ये एक सेट और ये एक सेट, इस तरीके के दो सेट मैंने मंगाए, दिस वन एंड दिस वन, जो आप किसी के साथ लाइक टेम्पल ज्वेलरी काइंड ऑफ, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, देन एक और नेक पीस मैंने मंगाया है, नेक पीस बहुत सुंदर नेक पीस है ये वाला भी। इसके बाद एक और कड़े मंगाए, मैं दिखाऊंगी आपको। ये मंगाया है कुछ ए डी सी फैशंस करके हैं,
तो इस अच्छी से पैकेजिंग वगैरह देखो कितनी सुंदर आई है, पैकेजिंग बहुत सुंदर आई है, एक पॉकेट भी इन्होंने दिया हुआ है। ये आई थिंक कुछ अराउंड मुझे 490 में पड़ा है। ये सबसे ज़्यादा महंगा ज्वेलरी हम लोग बोल सकते हैं, तो महंगा मीन्स ज़्यादा महंगा नहीं बट या थोड़ा महंगा बिकॉज इस सबसे ज़्यादा महंगा तुलजा बाबा। ओके तो ये इसके अंदर पॉकेट एंड इसके अंदर ये वाला इसका ये एंड इयररिंग्स। मैं आपको इसके पहले इसका नेक पीस दिखाती हूँ, सुंदर नेक पीस है यार, बहुत सुंदर। अब इसमें जो है ना कॉइन में लक्ष्मी माता बनी हुई है, कॉइन में लक्ष्मी माता बनी हुई है, तो कॉइन है और उसके ऊपर लक्ष्मी माता बैठी हुई बनी हुई है। तो ये देखो इसमें बड़े बड़े बीड्स हैं, बड़ी डिज़ाइन है। अगर आपको छोटी डिज़ाइन चाहिए लेकिन इस ये ना ये थोड़ा सा शाइनी है, थोड़ा सा शाइनी है, और ये है ये फुल मैट है, आप देख सकते हैं इसको दोनों को लगा के, ये शाइनी थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा शाइनी है और ये थोड़ा मैट है। तो अगर आपको मैट लुक पसंद है तो आप मैट लुक पहन सकते हो, मैट लुक खरीद सकते हो। तो ये वाला मैंने आपको दिखा दिया पहन के, तो ये इन दोनों में से बेसिकली ये मैं पहनूंगी गणपति विसर्जन पे, लेकिन मेरी साड़ी जो साड़ी पे सूट होगा वो भी पहन सकती हूँ, तो मे बी ये हो या फिर वो हो, बट दोनों बहुत सुंदर है। मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको भी थोड़ा आइडिया आ जाता है कि क्या है क्या नहीं। यार बारह ठीक है, ओके तो ऐसे होता है। ओके तो आप देख सकते हैं ये वाला भी पीस जो है बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग है। एंड हाँ ये देखिए इस तरीके से ये कम है, डिज़ाइन इसकी कम है, लेकिन जिसको नाजुक पहनना है, जिसको छोटा पहनना है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, तो वो इस हिसाब से ये पहन सकते हैं आप, इसके नीचे ये भी पहन सकते हो। सो बेसिकली जिसको नाजुक चाहिए, मैट फिनिश चाहिए वो ये ले, और जिसको थोड़ा सा शाइनी चाहिए वो ये वाला ले। तो दोनों भी मुझे बहुत सुंदर लगे, ये वाला भी अच्छा है, ज़्यादा पसंद मुझे ये आया है, ज़्यादा अच्छा ये आया है, प्राइस भी कम है और क्वालिटी भी अच्छी है। इसका भी इसका प्राइस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये भी है लेकिन इसकी ना साइज़ छोटी है आई थिंक सो, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट हो रहा है कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं। मिरर में देखते हैं बाद में कैसे लगेगा, बट या आप देख सकते हो या अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है फुल बड़े इसके साथ वगैरह। तो या एक था, और इसके बाद नेक्स्ट है ये कड़े। ये कड़े मैंने मंगाए हैं, ये मोर डिज़ाइन के कड़े जो हैं पर्ल के साथ, तो पर्ल एंड ग्रीन एंड रेड बीड्स, बिकॉज ग्रीन एंड रेड बीड्स साउथ इंडियन ज्वेलरी में बहुत यूज़ होती है। तो कड़े ये मैंने मंगाए, कभी अगर समझो फटाफट कहीं जाना है, चूड़ियाँ घुस नहीं रही हैं, तो ये कड़े आर बेस्ट। दिस कड़े मतलब एक ही पहन लो, गुड टू गो। मैंने अभी ये ड्रेस पहन के बाहर गई थी तो मैंने जस्ट इस कड़े को ही पहन लिया था, क्योंकि चूड़ियाँ मुझे पहनने में देर लग रही थी, तो बेसिकली मैंने वही पहन लिया।